हेलो एवरीवन. ओके, तो आज है मेरे साथ मेरे पतिदेव, माय डार्लिंग हबी. ओके, तो वेरी स्ट्रेंज टू टॉक अबाउट है कि मैं हूं इनके साथ. दैट वाज रियली बैड. ओके, एनीवेज, तो आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज एक सरप्राइज है जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो यानी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. लेकिन क्या वो आप बताना चाहेंगे? आई थिंक आप ही बताएं व्यूअर्स के लिए. नो, आई वांट हिम टू से दैट, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ कुछ और बताना है जो मैं इनके सरप्राइज को रिवील करने के बाद. वैसे ये सरप्राइज आप लोगों के लिए नहीं, इट्स फॉर अस मोर, बिकॉज वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात. काफ़ी दिनों से घर में बैठे बैठे हम लोग बोर हो गए और हमारा तो थोड़ा बहुत बाहर जाना आना हो रहा था, लेकिन इनका हो नहीं रहा था. तो हमने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, इसी दौरान एक छोटा सा ट्रिप करके आया जाए. तो अभी लॉकडाउन ओवर होने के बाद हमें लगा कि क्योंकि काफ़ी डेस्टिनेशन जो कि काफ़ी हॉट फेवरेट है वो खुल गई है तो हम जा सके. तो आपको पता चल गया होगा कि हम तो कहाँ जाने वाले हैं. उनको पता नहीं चला तो हम जा रहे हैं. गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं. ओके, नाउ लेट मी रिवील दैट. तो हम जा रहे हैं गोवा. एंड यस, और इसी हफ्ते हम जा रहे हैं. सो वी आर सुपर एक्साइटेड. वी आर एक्साइटेड टू द नेक्स्ट लेवल. एक्चुअली ये लास्ट ईयर का प्लान है जो कि पोस्टपोन होते होते अभी यहाँ पर पहुँचे. हमें मन था कि कुछ अराउंड लाइक फेब्रुवरी के आसपास हम जाते, मतलब इसी साल 2020 का फेब्रुवरी, बट वो कोविड की वजह से हम जा नहीं पाए. लेकिन अच्छा है कि गोवा में उतनी रिस्ट्रिक्शंस है नहीं अभी और कोविड के केसेस उतने हैं नहीं, तो हमें लगा कि इस बार हम जाके आए. और क्योंकि हम ऐसे समय पे जा रहे हैं जो कि काफ़ी मोस्ट फेवरेट और मोस्ट हैपनिंग टाइम है, वो क्रिसमस वाली टाइम होती है. आई कैंट इमेजिन, ये मेरा बहुत पहले से एक सपना भी था कि दिसंबर के मंथ में ड्यूरिंग द कार्निवल पीरियड हम गोवा जाएं कभी. बिल्कुल, कार्निवल के टाइम में जा रहे हैं तो ये जो समय होता है गोवा एक अलग रूप में आता है. तो अभी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा. एंड एक्चुअली काम के चक्कर में हम लोग ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, तो अभी बस कुछ ही दिन बाकी हैं. लाइक इट्स जस्ट 3 to 4 days आर लेफ्ट, और अभी उसके अंदर हम लोगों को मतलब प्रिपरेशन करना है. एंड यू माइट बी नोइंग कि हम लोग थोड़े बहुत बैकपैकर्स टाइप के हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस प्लानिंग नहीं करते हैं. समहाउ कुछ कुछ शॉपिंग और कुछ कुछ चीज़ें करनी है. हमें ये लगता है कि थोड़े से अनएक्सप्लोर्ड होने चाहिए. ज़्यादा प्लान करके जाएंगे, पता नहीं उस सिचुएशन पे आप उसको रिएक्ट कर पाएंगे कि नहीं. तो थोड़ा सा हिडन भी रहना चाहिए. सरप्राइज एलिमेंट होने से आपको जो जर्नी है काफ़ी एक्साइटिंग रहती है. तो ये हमारी थिंकिंग है. ये आपके साथ होता है कि नहीं हमें पता नहीं है, बट हमारे साथ ये बहुत हो चुका है कि जिस चीज़ को हमने ज़्यादा प्लान किया है ना वो डेफिनेटली नहीं होता है. सो इट्स बेटर कि बिल्कुल रैंडम प्लानिंग किया जाए और लाइक वट एवर कम्स इन माइंड सो दैट इज एंजॉय टू द यूनिवर्स. में वो जो टिक 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 वाली जो अप्रोच होती है काफ़ी लोगों की होती है, उसमें अगर मान लीजिए कि वो एक पॉइंट आपने मिस कर दिया तो आपको थोड़ा सा वो गिल्ट फील आएगा, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके पूरे ट्रिप में आप उतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे. तो हमारी ये थिंकिंग है, हम कितने भी ट्रिप अभी तक किए हुए सब वैसे बैकपैकर्स वाले ट्रिप किए हैं, अच्छा लगा एक्चुअली. तो एनीवेज, मैंने आज के दिन का आई हैव वाइंडेड अप फॉर द डे विथ माय ऑफिस वर्क एंड कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें. मुझे शॉपिंग करने का बहुत मन कर रहा है. लाइक आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू गोवा मैन, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, मुझे पता नहीं एक्चुअली दिस गाय ही इज़ इंसिस्टिंग मी ऑलमोस्ट ही इज़ फोर्सिंग मी टू गेट अ हेयर कट डन. तो मुझे पता नहीं कि हाउ विल आई लुक आफ्टर दैट, क्योंकि एक तो बाल बचे नहीं है, हेयर ही नहीं है, तो हेयर कट क्या करूँ मैं. So, but he is really एक्चुअली व्यूअर्स को आप बताइए कि एक जैसे कहते हैं ना कि मतलब आप एक जगह के लिए प्रिपेयर होते हो, तो वो प्रिपरेशन होनी चाहिए. आई डोंट नो, ऑब्वियसली गोवा ऐसी कोई चीज़ जगह नहीं है जैसे आप ऐसे ही अवे चल पड़े. हमारे लिए ऐसा लगता है कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन, एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है, मुझे तो पता आप उसको, नहीं है. आप उसको ऐसे ही उस ग्रैंडियर में उसको देखिए. ओके, आप सब इसके विटनेस रहे हो. अगर ये वीडियो मैं पोस्ट कर पाई तो समझ लेना कि आई एम सक्सेसफुल विथ माई हेयर कट डन. और अगर कुछ गलत सलत हो गया तो ये वीडियो मैं पोस्ट ही नहीं कर पाऊँगी. मैं अगर आप लोगों को अपना शक्ल दिखाने के लायक ही नहीं रही तो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी अ मेस और इट्स गोइंग टू बी अ नाइस वन. एनीवेज, तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ठंड है दिल्ली गुड़गांव में. आप लोगों को न्यूज़ में दिख रहा होगा, इट्स रियली गोइंग ऑन लाइक मिनिमम अभी 5 degrees चल रहा है. और ज़्यादा शाम होने से पहले हम लोग को लौट के आना है, तो जितना हो सके आज
देख लेंगे अगर कुछ खरीदारी कर पाए या फिर हेयर कट जो भी हो पाएगा आज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। ओके चलते हैं, बाय बाय। बाय। वापस लौट रहे हैं और या हम गए थे लाजपत नगर, आर ऑल टाइम फेवरेट प्लेस, और वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, लेकिन क्या खरीदा है वो मैं घर जाके आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। एंड थैंक गॉड अब आज काफ़ी लेट हो गया, तो टुडे माय हेयर गॉट सेव, यानी आज तो हेयर कट हो नहीं पाया है, वो कल या परसों जाऊंगी, तो वो भी मैं करके फिर आप लोगों से दूँगी। डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊँगी कि और क्या क्या चीज़ें खरीदा है। ओके बाय बाय। तो अब मैं जा रही हूँ हेयर कट कराने, कल दिल्ली से कुछ चीज़ें खरीदने गए थे वहाँ के लाजपत नगर मार्केट में, लेकिन ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और वैसे ही लोग मुझे वहाँ पे पागल समझ रहे थे क्योंकि एक तो इतनी ठंड थी और मैं वहाँ पे टी शर्ट और फिर क्या कहते हैं 3/4 वो सब ढूंढ रही थी, तो लोग मुझे ऑलरेडी पागल समझ रहे थे कि विंटर्स में ये सब कौन खरीदता है। द मार्केट्स वेयर फुल ऑफ विंटर ड्रेसेस मोस्टली, लेकिन एनीवेज कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है वो आ जाएंगे अभी कल तक, फिर उसके बाद पैकिंग जब करूँगी तब बैठ के देखेंगे क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया, और अभी कर लेते हैं हेयर कट फिर देखते हैं। तो मैं पहुंच रही हूँ अभी सलून, फिर वहाँ जाके पता चलेगा। Makeover, and I got this balayage done.
So it's awesome. I really felt nice. This is my first experience of hair coloring. मैंने already आप लोगों को बता दिया था और अगर आप लोग यहीं पर टिके रहे तो मैं बहुत देर तक बोलती रहूँगी यही सेम बात. तो ठीक है चलिए. हे हाय, तो मैंने मेरे सारे सामान समेट लिए हैं तो अब बस उनको बैग में डालना बाकी है. टुमारो आर फ्लाइट इज इन अर्ली मॉर्निंग तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है. अब जल्दी से सारी चीज़ों को फाइनल करना पड़ेगा. माय चेकलिस्ट इज़ टोटली रेडी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ आर गैजेट्स जो हमारे ब्लॉगिंग के सामान हैं एंड आर मोबाइल एंड चार्जर्स, फिर पावर बैंक्स एंड डेटा केबल्स एट्सेट्रा. ये सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑफकोर्स आर क्लोथ्स एंड गारमेंट्स जो हमने प्लान किया है ओवरऑल एक. और फिर थर्ड इज़ ऑब्वियसली द एक्सेसरीज एंड कॉस्मेटिक्स व्हाटएवर वी हैव टू कैरी. तो इन चीज़ों को मैंने ऑलमोस्ट रेडी करके रखा हुआ है एंड बिफोर आई जस्ट पुट देम इन टू द बैग मैं आप लोगों को क्विकली दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने खरीदा है एंड मैंने थोड़ा बहुत प्लानिंग किया हुआ है. लेट्स लुक इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये. दिस इज़ द गैजेट थिंग जो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था. जो हमारा GoPro का कैमरा है उसमें एक बैटरी है. सो आई थॉट ऑफ बाइंग वन मोर बैटरी क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी देर तक रिकॉर्डिंग होगी. सो वी विल बी नीडिंग, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा बैटरी. सो इट्स अ बैटरी चार्जर, पोर्टेबल बैटरी चार्जर विथ अ सिंगल आई मीन बैटरी, एक और बैटरी है इसमें. सो दिस वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था वो है ये. दिस इज़ द SD कार्ड दैट आई शोड यू ड्यूरिंग द अनबॉक्सिंग वीडियो. तो दिस इज़ मेनली फॉर ब्लॉगिंग पर्पज़. तो इसकी जो कैपेसिटी है ये रियली बहुत अच्छी है और इसका स्पेस भी अच्छा है. सो आई रियली नीडेड इट बिकॉज 3-4 दिन का होगा तो आई रियली वॉन्टेड टू कीप इट एज अ बफर. तो एक ये हो गया एंड देन ओके. दिस सेल्स आर फॉर माई हबीज कैनॉन मोबाइल, उसके लिए भी चाहिए होगी. सो आई कीप इट चार्ज ऑल्सो. तो ये गैजेट वाला पार्ट हो गया एंड देन हियर इज द सन प्रोटेक्ट क्रीम. एक्चुअली मैं प्रिफर करती हूँ कि जब भी कोई बीच डेस्टिनेशन में जाए तो वहाँ पे सन टैन के बहुत चांसेस रहते हैं. तो इसीलिए एक सन प्रोटेक्ट क्रीम और फिर हैट्स और सनग्लासेस को कैरी करना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो गाइज इवन इफ यू आर आल्सो गोइंग सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें आप कैरी करें, अदरवाइज वो पार्शियल टैन वाला चीज़ हो जाएगा आपके साथ. ओके सो नाउ व्हाट आई बॉट, द क्लोथ्स आई बॉट. दिस इज़ अ शोरूम, दिस इज़ अ शॉप नेम्ड यू कैन सी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो वी ऑल्सो थॉट कि 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है लेकिन वैसा नहीं है. जब उनको हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं मैम, एक्चुअली इसका मीनिंग है हमारे पास 107 तरीके के फैब्रिक्स है. सो एफ स्टैंड्स फॉर नॉट फ़ारेनहाइट, इट्स फैब्रिक्स. ऑल्दो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि सारे फैब्रिक्स को एक्सप्लोर करें, बट येस इनके पास स्टॉक बहुत अच्छा था. आई रियली लाइक इट एंड दैट ऑल्सो इन वेरी रिजनेबल बजट. तो एक ये शॉर्ट प्लाजो, मैंने 3-4 प्लाजो खरीदा है. दिस इज़ अ फुल लेंथ प्लाजो एंड द फैब्रिक इज़ रियली वेरी वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की. एंड दिस इज़ अ श्रग, अ वाइट श्रग. आई डोंट नो मैं इनको कब पहनने वाली हूँ लेकिन खरीद लिया. इट वॉज रियली वेरी चीप एंड नाइस. और ये एक और शॉप से मैंने एक टी शर्ट खरीदा है. दिस इज़ अगेन अ वाइट टी शर्ट. आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी कॉमन क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज़ के साथ क्या पहनने वाली हूँ. इतना ज़्यादा प्लानिंग मेरे से नहीं हो पाता है. एनी वेज दे आर ऑल्सो हैविंग दिस विंटर डिस्काउंट्स. तो ये इट्स अ वाइट लूज टी शर्ट, इट्स अ नाइस वन. एंड फाइनली वॉट आई परचेज्ड ऑनलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ. बाकी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही मंगाई हैं फ्रॉम अमेजन. ये धोती पैंट्स है, दे आर रियली वेरी आई मीन ये फ्लोरल प्रिंट्स और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स जो है जनरली मैं नहीं पहनती हूँ ऐसे प्रिंट्स, बट फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर हॉलीडे पर्पस डेफिनेटली आई एम ऑन फॉर इट. इट विल गिव मी अ हॉलीडे वाला मूड, यू नो. ओके वन श्रग इज हियर.
दिस इज़ अ शिफॉन फुल लेंथ शर्ट, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया एंड इट विल ऑल्सो लुक गुड ऑन दिस धोती पैंट्स एंड ऑल. देखती हूँ, प्लानिंग तो सारा ज़बरदस्त करके रखा हुआ है. हियर इज अ इट्स अ वेरी सॉफ्ट लॉन्ग फ्रॉक, रेनबो कलर्ड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. मैं आपको काश खोल के दिखा पाती, लेकिन इतने सुंदर से इसको फोल्ड किया हुआ है ना, आई एम टू लेजी टू डू इट अगेन. अगर मैंने एक बार खोल दिया इसको तो. एंड लास्टली दिस इज अ येलो जैकेट, इट्स सुपर कूल, मुझे बहुत पसंद आया ये, क्योंकि इसका मटेरियल बिल्कुल भी पतला नहीं है, लाइक इट्स नॉट सो चीप क्वालिटी, इट्स अ वेरी नाइस वन. एंड इस फ्रॉक के ऊपर, रेनबो फ्रॉक के ऊपर मैं पहनूंगी, प्लान तो यही है. तो विल सी, जब मैं मेरे ब्लॉग्स को पोस्ट करूंगी तब डेफिनेटली आप लोगों को भी दिख ही जाएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इन सारे ड्रेसेस में. सो दैट वाज इट. तो देखते हैं कि अब आगे आगे एक एक करके ब्लॉग्स जब पोस्ट करते जाएंगे तो मेरा गोवा का ट्रिप कैसा रहा. एनी वेज, आई हैव प्लान फॉर अ ब्लास्ट. एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं. एंड इफ़ यू रियली लाइक देम, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो. तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगले हफ्ते एक गोवा के फर्स्ट एपिसोड के साथ. तो